नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और चुनाव में अभी बहुत समय बचा भी नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहे हो या कांग्रेस, दोनों ही जनता के पास जा रहे हैं और अपने जो चुनाव के बाद उनको जनता को देने वाले हैं उन योजनाओं का पिटारा खोल कर रख दिए हैं कि जनता किसी भी तरह से उनके पक्ष में रहे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता को साधने जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की विफलता को जनता के समक्ष रख रही है। लेकिन इन दोनों के बीच दल बदल की भी राजनीति अब जोर पकड़ ली है। इसी बीच चुनाव से ठीक पहले सिंधिया दल को एक बड़ा झटका लगा है। सिंधिया के वफादार नेताओं की सूची में शामिल प्रमोद टंडन ने फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के वफादार समर्थकों में गिने जाने वाले प्रमोद टंडन फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इंदौर निवासी प्रमोद टंडन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और अब उन्हें बीजेपी से किनारा कर दिया गया था। टंडन के अलावा बीजेपी से नाता तोड़ चुके दो और स्थानीय नेता राम किशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। प्रमोद टंडन का नाम उन नेताओं में शामिल है जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल के बीते कुछ दिनों पहले भोपाल में सैकड़ों समर्थकों के साथ फिर से कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब प्रमोद टंडन कांग्रेस में लौटने वाले सिंधिया के वफादारों की लिस्ट के छठे व्यक्ति हो गए हैं। समंदर पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रमोद टंडन सिंधिया गुट से कांग्रेस में फिर से शामिल होने वाले छठे नेता हैं। आपको बता दें, समंदर पटेल से पहले बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बैजनाथ सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ जुलाई में कांग्रेस पार्टी में फिर शामिल हो गए थे। बैजनाथ सिंह यादव 2020 से पहले कांग्रेस के शिवपुरी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में वापस आने के एक दिन बाद खुलासा किया कि बीजेपी ने न तो उन्हें और न ही उनके समर्थकों को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने उन्हें किसी भी समारोह में नहीं बुलाया, जबकि वो बीजेपी कार्य समिति के सदस्य थे। उन्होंने आगे बताया कि उनके समर्थकों को झूठे मामलों में फंसाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर भी किया गया। अब इसी बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि चुनावी साल है, ऐसे में जो दल बदल की राजनीति शुरू हुई है, ऐसे में आखिर फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों से नेता इधर से उधर जा रहे हैं। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश तक के साथ। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।